यूपी में सूबे की योगी सरकार महिला अपराध को रोकने को लेकर लंबे चौड़े दावे कर रही है, मगर सूबे में महिलाओं के साथ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए एक युगल जोड़ी को बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें, सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंदूर के टोला धरतीडाड़ स्थिति मोट की पहाड़ी पर हनुमान जी के दर्शन करने आए एक युगल जोड़ी को बंधक बनाकर तीन युवकों ने कुल्हाड़ी के बल पर युवती से बारी बारी बलात्कार कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। सूचना पर पहुंची बीजपुर पुलिस की डायल 112 ने युगल जोड़ी को थाने लाकर ग्रिम कार्रवाई में जुट गई। पुलिस के अनुसार थाना बमनी के राजा शरई गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उसके दामाद और बेटी मोट की पहाड़ी पर हनुमान जी का दर्शन करने शनिवार को गए थे। पूजा पाठ के बाद जब दोनों पति पत्नी मंदिर के नीचे आए तो वहां पर श्यामलाल पुत्र राम कुमार पनिका, मुन्नीलाल पनिका पुत्र राम भजन पनिका निवासी गढ़ ग्राम छापर थाना बमनी और अंगद केवट पुत्र राम गणेश निवासी धरती डाड़ थाना बीजपुर ने बेटी दामाद को पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देकर दामाद के गर्दन पर कुल्हाड़ी लगाकर बंधक बना लिया और बेटी को पास के जंगल में ले जाकर बारी बारी से गैंगरेप किया। बताया जाता है कि मंदिर के नीचे जंगली एवं सुनसान एरिया पड़ता है। तीनों सिलसिले वही जंगल में लकड़ी काटने आए थे, जहां एकांत का लाभ लेकर तीनों ने बारी बारी से युवती के साथ बलात्कार कर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामला पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 15/5/21 को थाना बभनी क्षेत्र निवासी एक युवती अपने मंगेतर के साथ थाना बीजपुर के ग्राम धरतीटार गांव के जंगल में स्थित मोटकी पहाड़ी स्थित मंदिर में दर्शन करने आई थी, जहाँ लकड़ी काटने आए तीन अन्य युवकों ने जोड़े को पकड़ लिया और कल दोपहर बाद उसे युवती के साथ बारी बारी जंगल में ले जा कर के दुराचार किया। वह एक निर्जन स्थान है और वहाँ पे जंगल ही है चारों तरफ, इसका फ़ायदा उठाते हुए ये अपराध कारित किया गया। प्रकरण में थाना बीजपुर पर 376D, 506 IPC और 325 SC/ST एक्ट के तहत FIR पंजीकृत किया गया है और जो तीनों आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया गया है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इस अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी दुधी द्वारा की जा रही है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।